वो हमारे बिल्कुल क्लासमेट थे हमारे, उनकी बहुत करीबी बहुत नज़दीकी थे, बहुत बनती थी, और साथ साथ हमारी उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई। सन 88 में हम लोग हाई स्कूल किए, उसके बाद वो दूसरे कहीं चले गए, इंटरमीडिएट में हम दूसरे जगह चले गए, वहाँ से हमारा उनका साथ बिछड़ा, लेकिन दिल हमारा उनका कंटिन्यू मिलता जुलता रहा। उसके बाद उन्होंने पुलिस का एग्जाम दिया, अब हम लोगों को भी सहयोग रहा, ईश्वर की कृपा से उनका हो गया, पुलिस सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन होने के बाद हम लोग पार्टी दिए, प्रोग्राम दिए, हम लोग अटेंड किए, बड़ी खुशी हुई। उसके बाद समथिंग 2005 में इन्होंने प्रमोशन के लिए विभागीय एग्ज़ाम दिया, जिसमें उनको प्रमोट किया गया और उनकी कानपुर पोस्टिंग हुई। कानपुर के दौरान मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में हूँ, जब भी वो हाईकोर्ट में आवे बिना मेरे से मुलाकात की जाए ना, चाहे मैं जजेस चैम्बर में हूँ, चाहे मैं कहीं कोर्ट में हूँ, जहाँ भी हूँ, वो ढूंढ करके और यहाँ तक वो घर भी आवे बिना हमसे मुलाकात किए ना जाएँ, घंटे दो घंटे हम लोगों को गुफ्तगू हो। बड़ी दुखद बात हुई, अभी परसों हमारी उनकी बात भी हुई है, फ़ोन पर हम लोग एक एक दो दो घंटे बात किया करते थे। और मैं ये भी कहता था कि देखिए बड़ी कानपुर बड़ी डेंजरस एरिया है, थोड़ा अपने आप को संभाल करके ड्यूटी किया करिए। अभी मैंने परसों भी ये चीज़ ए वार्डिंग उनसे कही, लेकिन अब ईश्वर की वो है, बड़ी दुखद बात हुई। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। हम लोग डॉक्टर छोटेलाल बिंदवासिनी मीडियम कॉलेज में पढ़ रहे थे, VT, वहाँ ही पढ़ने के बाद हाई स्कूल पास जैसे किया वैसे नौकरी पा गया दोस्त। उसके बाद जो है कि हम तो अपना खेती बाड़ी में रह गए, उन्होंने सही ढंग से ये देखभाल करते हुए पोस्टिंग पर भी गए, पुलिस से नौकरी दरोगा हुए, आगे चल कर के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सभी गांव के सराहनीय हैं, लोग सबको दुख है, पूरे गांव के दुख है, लोगों को दुख है।